हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वेलकम है आपका अपने चैनल डिस्टिंक्ट व्हील्स पे। आज का वीडियो होने वाला है लो हर तरह हर टाइप की लो सेगमेंट की कार्स का। जैसे कि हमारे पास आज जितनी भी कारें हैं वो ऑल्टो हैं और काफ़ी अच्छे रीजनेबल प्राइस पे हैं। तो आज जानते हैं विजय भाई से गाड़ियों के बारे में। तो विजय भाई कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। और बताइए फिर कुछ आप अपने बारे में, कितने टाइप से ये काम कर रहे हैं? मुझे सर इसको 3 साल हो गए जी काम करते हुए। और अपनी ये लोकेशन कहाँ पे है? मनीमाजरा। मनीमाजरा में कंप्लीट लोकेशन बताइए। मनीमाजरा टाउन गली नंबर 3 शांति नगर। अच्छा, तो आज भाई ये जैसे कि मैं देख रहा हूँ अपने पास कितनी सारी ऑल्टो खड़ी हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। ये कौन सा मॉडल है? ये सर 2013 मॉडल है। 2013 सेकंड ओनर है। अच्छा, 70,000 चली है जी। 70,000 चली है। हाँ जी। बाकी गाइज आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन, गाड़ी बिल्कुल साफ कंडीशन में है और 2013 मॉडल है। और आस्किंग डिमांड क्या है इसकी आपकी? सर इसकी डिमांड है 2,65,000 रुपये जी। हाँ जी। और हमारे थ्रू क्या डिस्काउंट देंगे? आपके थ्रू दे देंगे सर 2,45,000 रुपये। क्या बात है। तो गाइज़ देखिए आप कितना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, 2,45,000 की आपको 2013 मॉडल ऑल्टो मिल जाएगी। तो अपनी नेक्स्ट कार की तरफ चलते हैं जो कि है दोबारा से ऑल्टो। तो विजय भाई बताइए कुछ इस गाड़ी के बारे में। कौन सा मॉडल है भाई ये? 2007 मॉडल है जी। अच्छा, क्या डिमांड क्या रखी है इसकी? इसकी डिमांड 1,35,000 की। 1,35,000 की। बाकी ओनर कौन सा है? ये ओनर है जी फर्स्ट। फर्स्ट ऑनर आपको 1,35,000 की आपको ऑल्टो मिल जाएगी, जो कि कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में है। तो चलिए नेक्स्ट कार की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारी है दोबारा से मारुति सुजुकी वालों की जेन। तो इसके बारे में बताइए सर कौन सा मॉडल है? सर 98 मॉडल है जी। अच्छा। 24 तक पास है, 2024 तक पासिंग हो रखी है इसकी। हाँ जी, हाँ जी। पेपर कंप्लीट है जी। इसकी डिमांड क्या रखी है आपने? इसकी डिमांड सर 60,000 रुपये है जी। हाँ जी। और हमारे थ्रू क्या देंगे? आपके थ्रू दे देंगे 55,000 रुपये जी। तो गाइस देख सकते हैं जिन भी भाइयों को अभी गाड़ी चलानी नहीं आती है वो आके इस कार को खरीद सकते हैं, जिनसे वो गाड़ी सीख सकते हैं। तो गाइस इसकी भी हम इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों चीज़ें आपको दिखाएंगे और काफ़ी अच्छे रीजनेबल प्राइस पर ये कार मिल जाएगी आपको। तो बने रहिए वीडियो में, अगली हम कार आपको ऑल्टो दिखाने वाले हैं। तो गाइज अगली कार हमारी होने वाली है ऑल्टो, जो कि अलॉय व्हील के साथ में है। स्टार अलॉय लगे हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल साफ़ है और देखने में इतनी ही सुंदर लग रही है ये। तो विजय भाई बताइए कौन सा मॉडल है? सर 2014 मॉडल है। 2014 मॉडल है। इसका क्या आस्किंग प्राइस रखा हुआ है? रखा सर 2,75,000। 2,75,000 इसकी डिमांड रखी गई है और गाड़ी की कंडीशन आप खुद देख सकते हैं गाइज, बिल्कुल चमकती हुई कार है और इसका कार अलॉय के साथ लगी है और देखने में ही बहुत सुंदर लग रही है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए क्या रेट लग जाएगी आपके लिए? सर देखो 2,75,000। क्या बात है। फिर तो 2,55,000 में आपको ऑल्टो मिल जाएगी। मॉडल कौन सा है? 2014 मॉडल। 2,55,000 की मिल जाएगी आपको। इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों दिखाएंगे इस कार का, जो कि देखने में अपने आप ही बहुत ही सुंदर है। तो चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं इस गाड़ी की। आइए देखिए, गाइज जैसा कि आपने देखा हमारे पास, हमने आपको इतनी सारी ऑल्टोज दिखाई और काफ़ी अच्छे प्राइस पे दिखाई हैं। तो ये हमारे विजय भाई हैं, इनके पास आइए, आपको हर सेगमेंट की कार मिल जाएगी। और रही बात लोन वगैरह की, कुछ भाइयों का हमारा बजट कम होता है, जो 1.5 लाख या 2 लाख नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए भी लोन अवेलेबल हो जाएगा। तो विजय भाई कुछ लोन के बारे में बताइए, मतलब कितने परसेंट तक का लोन हो जाता है और क्या क्राइटेरियाज रहते हैं लोन्स के लिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है? सर डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं हमारे को, आधार कार्ड, पैन कार्ड और हमारे कुछ नहीं, ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए। अच्छा, और लोकल प्रूफ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी विजय भाई? सर ऐसा है जी, जो 2.5 लाख रुपये की गाड़ी होती है उसमें 1 लाख रुपया कम से कम डाउन पेमेंट होती है। ओके, 2.5 लाख की अगर कोई गाड़ी परचेज कर रहा है तो उसे 1 लाख डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और अगर कोई भाई हमारा बाहर से, जो चंडीगढ़ में नहीं रहता, चंडीगढ़ के बाहर रहता है, अगर वो भाई अगर हमारा आपकी गाड़ियां परचेज करना चाहता है तो उसकी क्या मतलब सारी डॉक्यूमेंटेशन आप कर देते हैं, एनओसी वगैरह मिल जाती है सारी गाड़ियों की? सबकी एनओसी मिलेगी और जो कोई बाहर से लेने भी आता गाड़ी तो उसके लिए भी लोन अवेलेबल करवाते हैं। तो उनके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन रहती है? तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि हमारे विजय भाई हैं जो कि हर सेगमेंट की कार में डील करते हैं, हमारे पास अभी लो बजट की सारी कार सामने दिखाई, जो कि हमारे हर उन भाइयों के लिए बहुत यूजफुल होगी जो अभी रिसेंटली कार चलाना सीख रहे हैं, उनके लिए बेस्ट। तो विजय भाई ये जो अभी स्टार्टिंग में जो बंदे गाड़ियाँ चलाना सीखते हैं उनके लिए ऑल्टो तो बड़ी बढ़िया होगी ना? हाँ, जिसपे ये सीख सकते हैं, बढ़िया माइलेज भी प्रोवाइड कर देती है स्टार्टिंग में और इसका हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर।
तो गाइज जितने भी हमारे भाई हैं जो भी कार लेना चाहते हैं, जो कि लो बजट की कार परचेज करना चाहते हैं, उनके लिए सारी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हम वहाँ से आप जाइए, सारी डिटेल्स वहाँ मिल जाएगी, विजय भाई का नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्टली उन्हें कॉल कर सकते हैं, उनसे पता कर सकते हैं और लोकेशन पे जाके गाड़ी चेक कर सकते हैं, गाड़ी चला के देख सकते हैं। बाकी विजय भाई कुछ ऐसा भी रहता है कि अब कोई सेकंड हैंड कार खरीदते हैं तो उनमें हमें ऐसा डर रहता है कि हाँ बाद में ख़राब हो जाएंगी या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आप कुछ वारंटी वगैरह देते हैं? सर उसकी वारंटी रहती है 3 महीने की जी। 3 महीने की वारंटी? 3 महीने तक हमारी वो भी इंजन की गारंटी रहती है। अगर उसमें थोड़ी बहुत कोई नुकसान आ जाता है तो हम उसको उसके बदले अगर और कार लेना चाहे तो दूसरी कार देते हैं, नहीं तो हम मैकेनिक से ठीक करवा के देते हैं। तो मतलब आपको निश्चिंत होकर यहाँ पे आइए और अपनी फेवरेट कार ले जाइए, यहाँ पे आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। किसी भी तरीके की अगर गाड़ी में कोई भी दिक्कत आती है 3 महीने तक है तो हमारे विजय भाई हैं जो कि अगर गाड़ी ठीक हो सकती होगी तो ठीक करके देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको दूसरी कार चाहिए तो आपको दूसरी कार भी मिल जाएगी।